हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू एंड पोहा कटलेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 4 आलू, जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और सौंफ, साथ ही नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती, जिसे बारीक काट लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है पोहा 1/2 कटोरी, जिसे हमने मिक्सर में पीस कर बारीक पाउडर बना लिया है। अब आलू के मिक्सचर में हम मिलाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी धनिया पत्ती, साथ ही पोहे का जो हमने पाउडर बनाया था उसे भी इसमें मिला लेंगे। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से दबाकर इस तरह से कटलेट बनाएंगे। हमारे सारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब एक पैन में हम ऑयल गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तेल गर्म हो जाए तो एक एक करके अपने सारे कटलेट्स को हम ऑयल में डाल देंगे। कटलेट्स को अच्छी तरह दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे सारे कटलेट्स बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।